हाँ तो यार कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक शुगर कैन फार्म, जो कि आम शुगर कैन फार्म से थोड़ा अलग होगा। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 वीक से ज़्यादा टाइम लग गया। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लास्ट वीडियो के साथ ही हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेक अ शुगर कैन फार्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर केन फार्म के लिए एक अच्छी सी जगह सेलेक्ट करनी होगी। मार्केट के साथ हमारा ब्रिज है, और ब्रिज के उस तरफ मैंने किसी ज़माने में एक ट्री फार्म बनाया था। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि इस ट्री फार्म को तोड़ के इसकी जगह मैं शुगर केन फार्म बनाऊंगा। जगह सेलेक्ट हो गई, अब बारी है शुगर केन फार्म के लिए सामान कलेक्ट करने की। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए थे, लेकिन अभी भी मेरे पास वुड की कमी है। तो जल्दी से कुछ वुड कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारी वुड कलेक्ट कर ली है, एंड होपफुली शुगर कैन फार्म बनाते हुए खत्म नहीं होगी। बीकन मैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका था, तो मैंने इस जगह को प्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली मैंने काफी बड़ा एरिया जो है वो प्लेन कर दिया है, और इसके ऊपर ही मैं बनाने वाला हूँ शुगर केन फार्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आउटलाइन लगाने के लिए कुछ स्टेयर्स बनाई, देन मैंने कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस करके आउटलाइन लगा दी। आउटलाइन लगाने के बाद आयरन पाम में जितना आयरन पड़ा था मैंने उससे कुछ होपर्स बनाए, और नीचे होपर्स लगाना स्टार्ट कर दिए। इस सारे शुगर केन फार्म को बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट डबल चेस्ट आयरन चाहिए था, और मुझे आयरन की कमी भी पड़ रही थी। इस शुगर केन फार्म को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी 2 जगह पे शुगर केन उगेगी और कटेगी। देन मैंने काफ़ी देर आयरन फार्म पे AFK किया, और काफ़ी ज़्यादा आयरन जमा किया ताकि मुझे आयरन की जल्दी कमी ना पड़े। एंड देन फाइनली होपर्स कंप्लीट हो ही गए, एंड यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। अच्छा, अगर मैं इन होपर्स को एक नंबर नीचे लगा देता तो इस एरिया को मुझे एक नंबर ऊपर ना करना पड़ता, और टाइम भी बच जाता। पता नहीं मैं कौन से नशे फूक के काम कर रहा था। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद इन दोनों एरियाज़ को मैंने एक नंबर ऊपर कर दिया है, और अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगा रेल्स, और उसके ऊपर रेल गाड़ियाँ चलेंगी, माइनकार्ट विद होपर्स लगेंगी, जो शुगर कैन ऊपर वाले ब्लॉक से उठाएंगी, और ये जो होपर्स मैंने अब लगाए हैं इनमें फेंकेंगी, और ये वाले होपर वो शुगर कैन को चेस्ट में फेंकेंगे। रेल्स बनाने में भी काफी ज्यादा आयरन लगता है, और इसकी रेसिपी देख के भी मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देन कुछ यूं हुआ कि मैंने यहाँ पे रेल्स लगाना स्टार्ट कर दी। तो ये जो सारा एरिया है यहाँ पे सिर्फ 2 माइनकार्ट्स चलेंगी, और ऐसे ही मैं आगे भी बनाने वाला हूँ। एंड इस पावर्ड रेल के नीचे वाले ब्लॉक पे लीवर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसे पावर मिल रही है। फाइनली इसकी एक साइड कम्प्लीट हो चुकी है, और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि कई बार रेल आपस में मिल जाती है और इधर उधर हो जाती है, इसके कुछ समझ ही नहीं आती है क्या ये। एंड ये लीवर लगाने वाला काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैंने पहले एक साइड को ही प्रॉपरली कंप्लीट करने का डिसाइड किया, क्योंकि अगर मैं एक साइड को प्रॉपरली कंप्लीट कर लूँगा तो वो ग्रो भी होता रहेगा, और साथ साथ में उसे काटता भी रहूँगा, और दूसरी साइड के लिए भी शुगर कैन जमा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास शुगर कैन शायद कुछ कम पड़ा है। तो इसे जल्दी से ऊपर तक कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं, और ऊपर शुगर कैन उगाते हैं, और ऊपर जो इसकी स्लाइम मशीन होती है वो भी तो बनानी है। तो जल्दी से करते हैं सब कुछ कम्प्लीट। खत्म। तो यहाँ पे फाइनली ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है, और अब बारी है यहाँ पे कुछ पानी लगाने की, ताकि शुगर केन ग्रो भी हो सके। वाटर नीचे ना जाए इसके लिए मुझे नीचे स्लैब्स भी लगानी पड़ेंगी, नहीं तो नीचे सारी की सारी रेल्स टूट जाएंगी। देन मैंने पानी लगाना स्टार्ट किया, और ये काम इतना मुश्किल था कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जैसे तैसे करके मैंने पानी लगाया और शुगर केन लगानी स्टार्ट कर दी। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि स्लाइम कहाँ से आएगी। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा स्लाइम फार्म बनाना पड़ेगा। एक काम चलाओ स्लाइम फार्म, इन फ्यूचर मैं एक बड़ा स्लाइम फार्म बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक छोटे से स्लाइम फार्म से काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 12-13 स्लाइम ब्लॉक ही चाहिए।
हमारा शुगर केन फार्म तो बन चुका है, बट अब बारी ऐसे ऑटोमेटिक बनाने की। स्लाइम फार्म सिर्फ स्लाइम चंक में काम करता है, और स्लाइम चंक ढूंढने के लिए मैंने ये चंक बॉर्डर ऑन किया है, और हमारे ट्रेडिंग हॉल के सामने ही यहाँ पे एक स्लाइम चंक है, और इसी स्लाइम चंक में जो है हम अपना स्लाइम फार्म बनाने वाले हैं। स्लाइम सिर्फ Y40 से नीचे ही स्पान होती है, तो मैंने Y30 पे आके यहाँ पे एक चंक माइन कर दी। एंड जब मैंने वो चंक माइन कर ली तो मुझे पता चला कि मैंने एक रॉन्ग चंक माइन कर ली है, और वो वाली चंक ये थी, और मैंने उसके साथ वाली चंक माइन करनी थी, और टाइम वेस्ट हो गया। स्लाइम्स का किलिंग एरिया बनाने के लिए मैं नेदर से कुछ मैग्मा लेके आया। इस स्लाइम फार्म की मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, और एक आयरन गोलम मैं दरमियान में स्पॉन कर दूंगा ताकि वो उससे अट्रैक्ट होकर मरती रहें। देन मैंने गोलम को स्पॉन करने के लिए एक जगह बनाई, और ये काफ़ी प्यारी लग रही थी। ये जगह मैंने AFK के लिए रखी है, क्योंकि अगर हम स्लाइम फार्म के करीब खड़े हों तो स्लाइम स्पॉन ही नहीं होते। एक्चुअली ये फार्म अभी भी सही से वर्क नहीं कर रहा। जैसे तैसे करके मैंने 4 स्टैक स्लाइम बॉल्स कलेक्ट की, और उससे 27 स्लाइम ब्लॉक बन रहे थे। एक्चुअली मुझे 28 चाहिए थे, बट 27 ही बहुत है। स्लाइम मैंने एक फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए कलेक्ट की है, और ये फ्लाइंग मशीन एक तरफ से चलेगी, दूसरी तरफ जाके रुकेगी, और वहाँ से फिर वापस आएगी, और ऐसे शुगर केन हार्वेस्ट होता रहेगा। सो ये फ्लाइंग मशीन तक का एरिया बन चुका है, अब बारी है इसे चेक करने की। अभी मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्वर के पीछे वाला ऑब्सीडियन तोड़ूंगा तो ऑब्जर्वर एक्टिव हो जाएगा, और ये स्टार्ट हो जाएगी। सो या इट इज़ वर्किंग। जब मशीन थोड़ी सी आगे गई तो मुझे एहसास हुआ कि एक छोटी सी गलती हो गई है, और यहाँ पे एक ब्लॉक लग गया है जो शुगर केन को नीचे से ही काट रहा था। ये सारी लाइन मुझे दोबारा लगानी पड़ गई है। एक साइड को कम्प्लीटली कम्प्लीट करने के बाद मैंने सेकेंड साइड का काम स्टार्ट कर दिया। उस साइड पे काम करते हुए मैंने शुगर केन को एक दो बार हार्वेस्ट भी किया, और जल्दी मैंने सेकंड साइड भी कंप्लीट कर दी। अब बस वहाँ पे शुगर केन लगाना है। तो अभी दोनों साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और दूसरी साइड पे मैंने फ्लाइंग मशीन भी बना दी है, यानी अब दोनों साइड पे फ्लाइंग मशीन है, और दोनों साइड से शुगर केन जमा हो रही है। इन दोनों के सेंटर में थोड़ा सा ऊपर करके एक और लेयर होगी जिस पे मैं वेट लगाने वाला हूँ, यानी वो एक ऑटोमेटिक वेट फार्म होगा। तो जल्दी से मैंने इस पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया। वीट फार्म तो कंप्लीट हो गया, अब मैं यहाँ पे एक बैम्बू फार्म बनाने वाला हूँ जिसके नीचे एक स्मेल्टर भी होगा। बैम्बू फार्म मैंने सिर्फ एक ही लेयर का बनाया, क्योंकि मैं शुगर केन फार्म को भी बैम्बू फार्म के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। ये थोड़ा महंगा पड़ गया क्योंकि यहाँ पे हाफ अप स्टैक ऑब्जर्वर और पिस्टन भी लग गए हैं, बट बैम्बू यहाँ से काफ़ी मिलता रहेगा और रेगुलरली मिलता रहेगा। देन मैंने ऊपर वाली बिल्डिंग के ग्लास के लिए कुछ सैंड कलेक्ट की, कुछ ज़्यादा ही सैंड कलेक्ट की, तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग बना लेनी चाहिए। एक्चुअली जब मैंने बिल्डिंग की वॉल्स बनाई थी और छत बनाने वाला था, तभी कोई प्रॉब्लम हुई और सारे का सारा जो इसके नीचे वाला एरिया है, ये जो ऊपर डर्ट लगी है, इसके नीचे वाला एरिया सारा का सारा पानी से भर गया। पता नहीं कैसे, वो शायद ऊपर वाला कोई ब्लॉक टूटा होगा और किसी ग्लिच की वजह से सारा स्लैब्स वाला पानी नीचे चला गया, और मुझे ये दोनों साइड्स दोबारा से बनानी पड़ी। और इस बार मैंने एक अलग डिज़ाइन से पानी को लगाया, और रेल्स को भी एक अलग डिज़ाइन में लगाया, और डर्ट के बजाय मैंने मड ब्लॉक यूज़ करने का फ़ैसला किया, लेकिन वाटर बॉटल यूज़ करके उसमें काफ़ी ज़्यादा देर लग रही थी।
एक साइड को तो मैंने किसी ना किसी तरह कंप्लीट कर लिया, लेकिन सेकंड साइड पे मैंने सारा का सारा एरिया जो है वो मड से बनाने का डिसाइड किया। ग्लास बॉटल्स को यूज करके मैं डर्ट को मड तो बना सकता हूँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम है। मैंने चंक में इसमें ये वाला सीड डाला तो पता चला कि मैनग्रोव बायोम यहाँ से कोई 2000 ब्लॉक के फासले पर, रास्ते में कई ज्यादा विलेजेस और जंगल टेम्पल्स भी हैं, तो रास्ते में उन्हें भी लूटता जाऊंगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं अपने रास्ते के पहले विलेज में पहुंच चुका हूँ। लूट डालूंगा सब कुछ, आज कुछ नहीं छोड़ूंगा, आज सब कुछ लूट लूंगा, यहाँ से एक चीज नहीं छोड़ूंगा। मुझे रास्ते में एक कंजालिया ट्री भी मिला और मेरे ख्याल से ये काफ़ी रेयर होता है, और इसके ठीक नीचे जो है एक लश केव भी होती है। रेयर चीज़ें तो हमें मिलती रहती हैं। खैर टाइम की कमी की वजह से मैं लश केव में नीचे तो जाऊंगा नहीं, सो आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक ओशन रुइन भी मिली थी, और इसमें इतनी ख़ास लूट तो नहीं है, बट मुझे एक ट्रेजर मैप मिला, और जब मैंने ट्रेजर वाली चेस्ट खोली तो उसमें से ये निकला। देन मुझे एक और एक्चुअली लास्ट विलेज मिला, और मैंने इसे भी अच्छी तरह से खाली कर दिया, एंड एट लास्ट मुझे मैनग्रोव बायोम भी मिल गई। ये रही वो मैनग्रोव बायोम, और इसमें से मैं जल्दी से मड उठाता हूँ और वापस चले जाता हूँ। वन इटर्निटी लेटर एंड फाइनली शुगर कैन फार्म ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, यानी इसकी बिल्डिंग तो कम्प्लीट हो गई है, और जल्दी से मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर देता हूँ, फिर लास्ट वाले सिनेमैटिक्स देखना तो भूलना ही मत। तो जैसे शुगर केन फार्म में हम एंटर होते हैं तो दोनों तरफ ग्लास लगा हुआ है जिसपे शुगर केन है, और यहाँ पे ऊपर भी लाइटें नीचे भी लाइटें हर तरफ लाइटें, या सामने एक कलेक्शन सिस्टम है, और इस तरफ जाए तो यहाँ पे सारा का सारा शुगर केन कलेक्ट होता है। ये सारी चेस्टीज जो है शुगर केन से भरी पड़ी हैं। ये जो ऊपर बैरल लगे हुए हैं इसमें बैम्बू फार्म से सारे के सारे बैम्बू इकट्ठे होकर आते हैं, और यहाँ पे मैं एक ऑटोमेटिक जो है स्मेल्टर बनाने वाला हूँ, जो कि आम स्मेल्टर से थोड़ा फास्ट होगा। एंड यहाँ पे ये स्मेल्टर बन भी गया है। हाँ ये शुरू होते ही ख़त्म हो गया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और वीडियो को यहाँ पे एंड भी करना चाहिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सिनेमैटिक देखना मत भूलना, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी एंड क्या बोल रहा हूँ यार, बंद करो।